चलिए देखा जाए, आज हम लोग को देखना है फिजिकल स्टॉक वाउचर के बारे में। फिजिकल स्टॉक वाउचर की शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ F10, अल्ट के साथ F10। ये फिजिकल स्टॉक वाउचर इसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ F10। देखा जाए कभी कभी एक्चुअल स्टॉक और रिकॉर्डिंग स्टॉक में कोई डिफरेंस पता चलता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हमारा एक्चुअल स्टॉक है और जो हमारा रिकॉर्डिंग स्टॉक है, इन दोनों में डिफरेंस, ये हमारा एक्चुअल स्टॉक है और ये रिकॉर्डिंग स्टॉक है, इसमें कोई डिफरेंस पता चलता है। तो स्टॉक को सही करने के लिए फिजिकल स्टॉक वाउचर का प्रयोग किया जाता है। जैसे रिकॉर्ड स्टॉक चेक करने पर हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी में डेल वेस्ट्रो 15,000 लैपटॉप स्टॉक में 5 पीस, लेकिन जब हम एक्चुअल में चेक करते हैं तो 4 ही पीस होता है। सिस्टम में दिखा रहा है 5 पीस, लेकिन वास्तव में कितना दिखा रहा है? 4 पीस। अब हमारे स्टॉक को एडजस्ट करने के लिए हमें फिजिकल स्टॉक वाउचर में एंट्री करनी होती है। रियल में कितना है? 4, सिस्टम में दिखा रहा है 5। उसको ठीक करने के लिए हम फिजिकल स्टॉक वाउचर में जाएंगे और उसकी क्वांटिटी को ठीक करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो एक आइटम आपको बनाना पड़ेगा। देखिए आपको मिनिमाइज कर दे रहे हैं। मिनिमाइज करने के बाद हम यहां से आ जाएंगे टैली प्राइम में। एजुकेशन मोड में हम आ गए, यूज एस्केप बटन दबाया, यहाँ यूजर नेम ने सेलेक्ट कर लिया, पासवर्ड लगा दिया, यूजर नेम पासवर्ड खुल गया। अब हम क्रिएट पे आ गए। क्रिएट पे आने के बाद हमें जाना है स्टॉक आइटम पर और एक स्टॉक आइटम हम यहां से बना लें। तो आइटम का नेम हमारा हो जाएगा डेल वास्ट्रो 15,000 लैपटॉप, इसका मॉडल हमने इसको बनाया। चूंकि यह प्रकार का लैपटॉप है तो ग्रुप क्या होगा? लैपटॉप में यूनिट पीसेज, और इसको इसकी क्वांटिटी हमने कर दिया। सिस्टम में हमारा दिखा रहा 5 पीस, हमने कर दिया 5 पीस। रेट इसका जो भी होगा, इसमें देखिए कहीं पर रेट आपको दिखा रहा होगा 30,960 रुपये, ये रेट आप भर देंगे 30,960, ये आपका स्टॉक। अब इसको देखने के लिए जब आप जाएंगे स्टॉक समरी में, स्टॉक समरी में अल्ट के साथ F1 बटन दबाइए तो आपको दिखाएगा क्या कि हमारे कंप्यूटर में स्टॉक है कितना, 5 पीस। एक्चुअल में आप जाते हैं काउंट करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि 4 ही पीस है। ये तो एक हो गया, कब ये हो गया स्टॉक समरी हमारा चेक करना, ठीक। उसके बाद जब आप स्टॉक चेक करते हैं तो आपको मिलता है 4। अब इसको ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा? वापस टैली में जाइए, बी से वाउचर में जाइए और यहाँ F10 से अदर वाउचर में जाइए और यहाँ आपको सेलेक्ट करना है फिजिकल स्टॉक वाउचर। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F7। इसका चेंज करना पड़ेगा, आप लोग को चेंज कर दो, कंट्रोल प्लस F7, इसकी शॉर्टकट की। इसको हमने कर लिया सेव। अब हमको वास्तव में 4 दिख रहा है, हम इसको 4 सेट करना है। हम क्या करेंगे? हम सेलेक्ट कर लेंगे लैपटॉप 5 पीसेस को, क्वांटिटी 4 कर देंगे, ठीक, और इसको हम कर देंगे एडजस्ट। अमाउंट ओवर भरने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो भर सकते हैं सर। चलो हटा दे रहे हैं, ठीक। यहाँ नेम ऑफ आइटम
अमाउंट पर स्क्रीन इसका जाएगा ही नहीं जाएगा। देखो अमाउंट दिया तो है लेकिन वहां पर स्क्रीन नहीं जाएगा। देखो आइटम सिलेक्ट कर लिए, क्वांटिटी सिलेक्ट कर लिए और अमाउंट इसमें नहीं भरना है और इसको स्क्रीन टॉप लिस्ट कर देना है और इसको कर लेना है एक्सेप्ट। जैसे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे फिर इसके बटन से वापस आइए, स्टॉक समरी को आप चेक करिए, अल्ट के साथ F1 बटन दबाइए। अब ये देखिए आपको 4 पीस के बाद तो एक्चुअल स्टॉक को फिजिकल स्टॉक से मैच कराने के लिए, एक्चुअल स्टॉक को फिजिकल से मैच कराने के लिए, सिस्टम का डेटा सही करने के लिए हमारे पास एक विकल्प दे रखा है कि अगर कभी स्टॉक में कुछ फर्क आए इस तरीके से फर्क हम ठीक कर सकते हैं। बस समझे, आप काम कर रहे हैं आपको ये फर्क दिख रहा है तो उसको करेक्ट यहाँ से कर सकते, हो जाएगा। हाँ रेट पर कोई फर्क नहीं आएगा, यही इसका यूज है। इसमें क्या क्या चीज जरूरी लग रही जो आपको लिखवानी चाहिए बताइए। बना ले जाओगे ना? अरे डेल प्रोजेक्टर का एक आइटम बनाओ, इसमें 5 पीस क्वांटिटी डाल दोगे, फिर उसके लिए स्टॉक में जाओ उसको ठीक कर दो आइटम में। चलो लिख लो स्टेप 1, स्टेप इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट ए स्टॉक इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिएट स्टॉक आइटम एक आपको यहां देना है आइटम नेम, ये स्टेप 1। आइटम नेम, आइटम का नेम हो जाएगा आपका डेल वेस्ट्रो 15,000 लैपटॉप अंडर अंडर क्या होगा लैपटॉप ठीक ओपनिंग क्वांटिटी कितना हो जाएगा 4 सॉरी 5 रेट रेट ₹30,960 इतना काम हो जाएगा। ये लैपटॉप हो गया, अंडर ग्रुप हो गया लैपटॉप, क्वांटिटी 5 पीस, क्वांटिटी 2 हो गया। तो ये आइटम आप क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद क्रिएट करने के बाद आपको चेक करना है स्टेप 1 ये हो, अब स्टेप 2 पे आप करना है। स्टेप 2 स्टेप 2 क्या है, चेकिंग
स्टॉक समरी, स्टॉक समरी, स्टॉक समरी देखने के लिए आपको कहाँ पर जाना होता है? स्टॉक समरी देखने के लिए आपको जाना होता है गेटवे ऑफ ट्रेडिंग पर, और यस बटन दबाते हैं स्टॉक समरी पर देखने के। स्टॉक समरी हो गया, ये स्टॉक समरी। स्टॉक समरी आपको कैसे दिखाई देगा? स्टॉक समरी कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, कितना 5 पीस। ठीक, यहाँ आपको 5 पीस शो करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन आना है। अब स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट स्टॉक, स्टॉक का एडजस्टमेंट। इसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, गेटवे ऑफ ट्रेडिंग, वाउचर, वाउचर्स आने के बाद EF10 से आपको आना है अदर वाउचर में, और अदर वाउचर में आने के बाद आपको लेना है फिजिकल स्टॉक वाउचर। फिजिकल स्टॉक वाउचर इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F7। कंट्रोल प्लस F और इस तरीके से आपको एंट्री कर देना है। एंट्री करने के बाद अगेन आपको चेक करना है, सेम चीज, ठीक। यहां तक लिख लीजिए, पहले हो गया है तक, यहां तक अदर वाउचर तक। ये यहां तक हो गया ना, लिख लिए सब लोग। इसके बाद आपको दोबारा समरी चेक करनी है स्टेप फोर में, चेकिंग स्टॉक समरी आफ्टर स्टॉक एडजस्टमेंट। उसके लिए गेटवे ऑफ ट्रेडिंग पर जाएंगे, यस बटन दबाएंगे तो आपको स्टॉक समरी दिखाई देगी। अब आपको स्टॉक समरी में 4 ही पीस केवल दिखाई देगा। नेक्स्ट हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करने पर आपको क्या पता चलेगा, स्टॉक समरी चेक करने पर यह पता चलेगा कि
स्पष्ट होता। अब हमारा एक्चुअल स्टॉक की स्टॉक समरी में सो एक्चुअल में चार था, अब चार हमको देख रहा है। एक बार पूरा रिवीजन देखिए, जितना कॉपी बताए पहले तो नोट कर लीजिए। सुरुज बता रहे हैं, ध्यान देखिए। फिजिकल स्टॉक वाउचर्स की सेटअप की कंट्रोलर से बन इसका इस्तेमाल होगा। एक्चुअल स्टॉक और रिकॉर्डेड स्टॉक में अगर कोई डिफरेंस इसको दे रखा है, यदि कभी एक्चुअल स्टॉक और रिकॉर्डेड स्टॉक में कोई डिफरेंस पता चलता है तो स्टॉक को सही करने के लिए फिजिकल स्टॉक वाउचर का प्रयोग करते। जैसे रिकॉर्ड स्टॉक चेक करने में पता चलता है कि डेल वास्टो 15,000 लैपटॉप हमारे स्टॉक में 5 पीस है, लेकिन एक्चुअल काउंटिंग करने पर पता चलता है कि वह केवल 4 ही पीस है। कंप्यूटर में 5 दिखा रहा है लेकिन रियल में क्या है, 4। अब इस स्टॉक को एडजस्ट करने के लिए हमें फिजिकल स्टॉक वाइज में एंट्री करनी होगी। तो सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, क्रिएट पे जाना है, स्टॉक आइटम पर जाना है। फिर एक आइटम बनाएंगे, आइटम का नाम है डेल वास्टो 15,000 लैपटॉप। ग्रुप होगा अंडर क्या, लैपटॉप ओपनिंग क्वांटिटी 5 पीस और रेट आप यहाँ पर। अब आपको स्टॉक समरी चेक करना है। स्टॉक समरी देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे और यस बटन दबा के आपको कुछ स्टॉक समरी देखना। ये समरी यहाँ भी दिखाई देगी कि आपके कंप्यूटर में डेल वास्टो लैपटॉप 5 पीस है। ठीक, 5 कहाँ से है, चूंकि ओपनिंग में हमने 5 पीस रखा था इसलिए 5 यहाँ पर आ गया। अब आपको एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे, वाउचर में जाएंगे, EF10 से अदर वाउचर में जाएंगे और अदर वाउचर में जाने के बाद आपको ओपन करना होगा फिजिकल स्टॉक वाउचर। और इस वाउचर को ओपन करने में इस प्रकार से एंट्री आपको करनी पड़ेगी। आइटम का नाम सेलेक्ट करना है, गोडाउन आपको अगर दिख रहा है सेलेक्ट करना है और क्वांटिटी भरनी है। अमाउंट भरने की कोई जरूरत नहीं है, अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, बस उसके बाद आप रिपोर्ट दोबारा चेक करेंगे। अब उसी स्टॉक समरी में आपको देखने को पता चलेगा कि हमारे पास कुल 4 ही पीस स्टॉक बचा है। वही चीज ऑब्जर्वेशन लिखा गया, स्टॉक समरी चेक करने पर स्पष्ट होता है कि हमारा एक्चुअल स्टॉक भी स्टॉक समरी में शो होगा। ठीक, या इसको लिख दिया शो हो रहा। ये इसका ऑब्जर्वेशन, यहां तक किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा बताओ। मुजामिल भी आज गया है। अच्छा, लापरवाह बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, असर के बाद उनको फोन करने वाले थे क्या, जाना तैयार है आपको संकट है क्या। हाँ, चौथा स्टेप रखना। हाँ, पढ़ा कर चेस्ट पढ़ा। ओ
हो गया यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत? या जीएसटी वाला भी रहने दीजिए, क्योंकि जीएसटी का भी इतना बेटर डेटा नहीं गया, इसको एक अलग बुक से हम टाइप कर पा रहे हैं, उसका नोट अलग देंगे उससे पढ़ रहे हैं, छोड़ दीजिए इसको, जीएसटी वाला छोड़ दीजिए, जीएसटी वाले को दोबारा पढ़ा देंगे। अब नया टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। इसका उद्देश्य क्या है पहले ये समझिए, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का जो उद्देश्य है वो है किसी बिजनेस के रेवेन्यू और एक्सपेंस को सही तरीके से एडजस्ट करना, रेवेन्यू और एक्सपेंस को सही तरीके से एडजस्ट करना। मैं इसका कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, एक बार आप ध्यान से देखिए। देखिए ध्यान से, जैसे मान लो कोई भी बिजनेस है, बहुत मोटा लिख रहा है, कोई भी बिजनेस हमारे पास है, तो जब तक इस बिजनेस का इनकम और एक्सपेंस हम सही तरीके से ट्रैक नहीं करेंगे, तब तक हम बिजनेस को सही तरीके से चला नहीं पाएंगे। यानी बिजनेस को अगर सही तरीके से चलाना है तो बिजनेस का इनकम और बिजनेस का एक्सपेंस हमको सही तरीके से ट्रैक करना है। ठीक है, आ रही बात समझ में ना? बिजनेस का जो इनकम है और जो बिजनेस का एक्सपेंस है उसको हमें सही तरीके से ट्रैक, अब देखिए इनकम को ट्रैक करना आसान है, हम पहले एक्सपेंस की ट्रैकिंग सीखते हैं कि एक्सपेंस को हम कैसे ट्रैक करते हैं। एक्सपेंस को अगर हमें ट्रैक करना है एक्सपेंस को अगर हमको ट्रैक करना है तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि हम एक एक एक्सपेंस को रिकॉर्ड करें। जैसे मान लो कि मेरे बिजनेस का कोई एक्सपेंस है सैलरी, सैलरी क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है। अब सैलरी एक तो खुद में एक खर्च है ना, हमने मान लो किसी को 5000 सैलरी दिया, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि सैलरी किसको दिया, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसमें हम क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं किसके खाते को, सैलरी के खाते को, इतने रुपए से 5000 रुपए से, तो लिखते हैं कैश या बैंक जिस माध्यम से दे रहे हैं उसको सेलेक्ट करते हैं। अक्सर यही होता है ना कि जब हम किसी को सैलरी देते हैं तो हमें इस तरीके से नोट डाउन करना होता है, लेकिन अब ये कैसे चलेगा कि ये सैलरी जो हम 5000 रुपए दे रहे हैं वह किस व्यक्ति को दे रहे हैं, किस इंप्लाई को दे रहे हैं, ट्रैक क्या आ सकता है, सिर्फ इस जनरल एंट्री से पता चल जाएगा कि सैलरी किसको दे रहे हैं, नहीं तो चलेगा, सिर्फ ये दिख रहा है कि हम सैलरी दे रहे हैं लेकिन किसको दे रहे हैं ये कंफर्मेशन नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं, एक एग्जांपल हम और ले रहे हैं आप लोग के लिए। जैसे मान लो कि कोई एक एक्सपेंस और ले लिया जाए, एक्सपेंस हमने ले लिया टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल ये क्या एक प्रकार का खर्च है ना। मैंने बोला कि आज 15/7/22 को मैंने
255 रुपए का बिल पे किया, इसकी गारंटी कैसे होगी? हम इसमें डेबिट करेंगे इसको टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे गैस को, यही होगा ना। अब ये तो क्लियर हो जा रहा है कि टेलीफोन एक्सपेंस है, लेकिन किस टेलीफोन का एक्सपेंस है वो क्लियर नहीं हो। तो जब तक ये सही तरीके से ट्रैक नहीं होगा, तब तक बिजनेस के एक्सपेंस को हम सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रिकॉर्ड कर सकते हैं? आप बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है? जब तक ये चीज सही से ट्रैक नहीं होगा, तब तक बिजनेस के किसी भी एक्सपेंस को हम सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यानी अगर हमको बिजनेस के, हमें बिजनेस के एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, अगर हमको अपने बिजनेस के एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा कॉस्ट सेंटर का फीचर। देखिए इसके नोट्स में क्या दे रखा है, दे रखा है एक कॉस्ट सेंटर इज एनी यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई यूनिट हो सकता है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है ना, उन कंपनियों के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी, इस कंपनी का पहला डिपार्टमेंट है सेल्स का। ये डिपार्टमेंट क्या करता है? केवल सेल्स को कंट्रोल करता है। दूसरा डिपार्टमेंट क्या है? परचेज का। तीसरा डिपार्टमेंट क्या है? प्रोडक्शन का। तीन डिपार्टमेंट है, दिख रहा ना? तो अब अगर हमें सेल को कंट्रोल करना हो, या परचेज को कंट्रोल करना हो, या प्रोडक्शन को कंट्रोल करना हो, तो ये तीनों कंपनी की क्या है? अलग अलग यूनिट। ये तीनों क्या कंपनी के? डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं। अब मुझे अगर ये पता चल जाए कि प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में स्टेशनरी का खर्च बहुत ज्यादा आ रहा है, तब तो उसको हम कंट्रोल करेंगे। अपने प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाएंगे, उससे बैठाएंगे, उससे कहेंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि आपके डिपार्टमेंट में पेपर का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब वो अपनी समस्या हमको बताएंगे, सर हमको ये चीज प्रिंट करना होता है, और तब उसको हम सोल्यूशन बताएंगे कि आप इसको नहीं, इसको प्रिंट करिए, इसको छोड़ दीजिए, जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उतने ही प्रिंट करिए। तो जब तक एक्सपेंस को हम डिपार्टमेंट वाइज नहीं निकालेंगे, इम्प्लॉय वाइज नहीं निकालेंगे, तब तक एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल एक बता रहा हूँ, जैसे मान लो कोई गार्जियन है, उनके घर का खर्च बहुत ज्यादा है, वो सबको खर्चा देते हैं, बेटा को, बेटी को ना, मैडम को, सबको खर्चा देते हैं, सबको पॉकेट मनी दिया जाता है और खर्च ज्यादा है। अब अगर वो अपने खर्चों को कंट्रोल करना चाहें, तो सबसे पहले उन्हें ये देखना पड़ेगा कि हमारे परिवार के जितने मेंबर हैं उसमें किस मेंबर की वजह से खर्चा सबसे ज्यादा हो रहा है, ये पता करना पड़ेगा ना। फिर उस मेंबर को बुलाना पड़ेगा, बुला के समझाना पड़ेगा, उसको रास्ता बताना पड़ेगा कि ऐसे नहीं, ऐसे खर्चे को नियंत्रित किया। प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम अगर अपने खर्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो पहले हमें ये पता चले कि खर्च हम कहाँ पर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किन किन हेड में खर्च कर रहे हैं। ठीक, तो वो तो छोटा सा परिवार होता है तो आदमी पूछ के आदमी कर लेता है, लेकिन जहाँ बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, वहां हमको कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के फीचर का इस्तेमाल किया जाए। तो कॉस्ट सेंटर का मतलब ये होता है कि किसी डिपार्टमेंट का कोई यूनिट, किसी कंपनी का कोई यूनिट। देखो यहाँ पे दे रखा है, इसीलिए क्या दे रखा है, ये कॉस्ट सेंटर इज एनी यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू विच ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मतलब क्या, रेवेन्यू और एक्सपेंस कैन बी एलोकेटेड, जिसके लिए हम रेवेन्यू और एक्सपेंस को एलोकेट करते हैं, उस डिपार्टमेंट को ही, उस यूनिट को ही हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। क्या है? एक कॉस्ट सेंटर इज एनी यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू विच ट्रांजेक्शन रेवेन्यू और एक्सपेंस कैन बी एलोकेटेड, जिसके लिए हम रेवेन्यू और एक्सपेंस को एलोकेट करते हैं। व्हेन ओनली कॉस्ट और एक्सपेंस आर एलोकेटेड टू दिस यूनिट दे आर रेफर्ड टू एज कॉस्ट सेंटर। जब हम अपने किसी यूनिट के लिए, जब हम अपने किसी यूनिट के लिए
कॉस्ट को ही केवल एलोकेट करते हैं, एक्सपेंस को केवल एलोकेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। व्हेन प्रॉफिट आर आल्सो एलोकेटेड टू दिस यूनिट दे बिकम प्रॉफिट सेंटर। जब हम प्रॉफिट को एलोकेट करते हैं तो प्रॉफिट सेंटर कहलाता है। इट इज यूज्ड फॉर एक्सपेंस डायमेंशनल एनालिसिस टू कंट्रोल एक्सपेंस। ये एक्सपेंस का एक डायमेंशनल एनालिसिस करता है, बताता है कि हम खर्चे तो कर रहे हैं लेकिन किस किस हेड में हम कितने खर्चे कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट सेंटर हमारा बहुत ही इफेक्टिव टूल्स दे रखा है, क्योंकि जब तक हमको पता चलेगा नहीं तब तक हम उसको कंट्रोल कर नहीं पाए। आपको ये पता होना चाहिए ना कि मेरा खर्चा इतना हो रहा है तो मैं खर्चा कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे कर रहा हूँ, कितने खर्चा मैं मोबाइल रिचार्ज में कर रहा हूँ, कितना खर्चा मैं बाहर के चाय वाले नाश्ते में कर रहा हूँ, कितना कॉपी किताब पेन पेंसिल पे कर रहा है ना, कितने ऐसे खर्चे हैं मिसलेनियस एक्सपेंस है। तो जब जब इनका सबका रिकॉर्ड आप रखेंगे तभी तो उसको कंट्रोल कर पाएंगे। बोलिए, ऐसा समझ में आ रहा है ना? तो जैसे एग्जांपल दे रखा है, टू गेट डिपार्टमेंट वाइज एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस लाइक कन्वे एक्सपेंस यानी यात्रा खर्च, कार एक्सपेंस इटीसी, यू मे क्रिएट डिपार्टमेंट एज कॉस्ट सेंटर। अगर हमको डिपार्टमेंट वाइज एनालिसिस निकालना है तो डिपार्टमेंट को हमको क्या बनाना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर, एंड एलोकेट द अमाउंट एंटर्ड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस इन वाउचर टू द कॉस्ट सेंटर, और इसी कॉस्ट सेंटर में वाउचर को एंट्री करना है। अब सेकंड चीज है कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट कैटेगरी क्या है? कॉस्ट कैटेगरी आर यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट रिक्वायर एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू एंड ड्रॉन रेवेन्यू आइटम टू पैरेलल सेट ऑफ कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट कैटेगरी ट्रांजेक्शन को कॉस्ट सेंटर के बीच एलोकेट करने के लिए अलाउ करती है। कॉस्ट कैटेगरी करती क्या है, किसी भी ट्रांजेक्शन को कॉस्ट सेंटर के बीच एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर एग्जाम्पल सर यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है रीजन वाइज, एम्प्लॉई वाइज, डिपार्टमेंट वाइज। हम अपनी कैटेगरी रीजन वाइज भी बना सकते हैं। रीजन मतलब क्या है यहाँ पर, क्षेत्र। रीजन का मतलब क्या हो गया, क्षेत्र। हम रीजन वाइज भी बना सकते हैं, एम्प्लॉई वाइज भी बना सकते हैं और डिपार्टमेंट वाइज भी बना सकते हैं। बिजनेस सिनेरियो दे रखा है, अब सिनेरियो से कंफर्म होगा। देखिए दे रखा है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड डीलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में डीलिंग करता है। इन दीज प्रोसेस दे हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड मेनी एम्प्लॉई और दी ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने बहुत सारा डिपार्टमेंट बना रखा है और बहुत सारे एम्प्लॉई भी रखे हैं। इन दिस एक्टिविटी बिजनेस जनरेट सम एक्सपेंसेस, बिजनेस में कुछ खर्चे भी होते हैं, एंड इनकम आर डिफरेंट लेवल, और अलग अलग लेवल पर कुछ इनकम भी होती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एक्टिवेट कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी टू जनरेट द एंड व्यू द रिपोर्टिंग सोर्स ऑफ इनकम। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को बनाएं और डिफरेंट डिफरेंट सोर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकें, एंड एक्सपेंस डिपार्टमेंट वाइज, और एक्सपेंस को डिपार्टमेंट वाइज भी कैलकुलेट कर सके, एंड एम्प्लॉई वाइज भी हम उसको कैलकुलेट कर सके। दिस हेल्प टू डेवलप एंड कंट्रोल द फाइनेंस। इसका इस्तेमाल करके हम फाइनेंस को डेवलप और कंट्रोल कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छा कर सकते हैं। अब इसमें लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले एग्जाम्पल दे रखा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021, 2 अप्रैल 2021 को पेड 60,000 का पेमेंट हुआ टुवर्ड्स किसमें, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, आउट ऑफ दिस 40,000 पेड टुवर्ड्स पडोना ऑफिस एंड 20,000 पेड कप्तान ऑफिस। ठीक, अब देखो इसमें कई सारी चीजें हैं, इसमें कई सारी चीजें, हमारा एक्सपेंस क्या है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए हम 60,000 रुपये खर्च कर रहे हैं लेकिन उसमें से 40,000 रुपये खर्च कर रहे हैं पड़ोना ऑफिस के लिए और 20,000 रुपये खर्च हम कर रहे हैं कप्तान। हेलो हेलो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? इसको हम इस तरीके से एलोकेट कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल हम कल बताएंगे, आज बहुत ज्यादा हो जाएगा, कल इसको एक बार हम आपको प्रैक्टिकल बता देंगे। आज फिजिकल स्टॉक वाला करिए, इसको पढ़ के अगर कोशिश करिए, देख देख के हो जा रहा है वेल एंड गुड, और नहीं होगा तो कल इसको हम समझाएंगे।